प्रमुख जींस एक्सचेंज MCX ने मंगलवार को कहा कि कपास उद्योग की मूल्य श्रृंखला के दबाव समूहों द्वारा उसके मंच पर कपास के वायदा कारोबार को स्थगित करने की तर्कहीन मांग की जा रही है। हालांकि इसकी बुनियाद कपास की ऊंची कीमतों का समर्थन करने वाली है। MCX ने एक बयान में कहा है कि कपास वायदा पर प्रतिबंध हानिकारक होगा, क्योंकि भारत में कई वर्षों के बाद पहली बार किसानों को बुनियादी स्थिति के कारण कपास की अधिक कीमतों से फायदा मिला है। भारत कपास का शुद्ध निर्यातक है और यहाँ इसके दाम अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के अनुरूप मजबूत हो रहे हैं। इसके अलावा कपास आवश्यक वस्तुओं की सूची में नहीं है और इस जींस के वायदा कारोबार के निलंबन के अवांछनीय आर्थिक परिणाम हो सकते हैं। एक्सचेंज पर कपास वायदा अनुबंध को निलंबित करने के लिए काम कर रहे कुछ दबाव समूहों पर आश्वर्य व्यक्त करते हुए MCX ने कहा कि उनके तर्क में कोई दम नहीं है। एक्सचेंज ने आरोप लगाया है कि दबाव समूह किसानों की कीमत पर इसके निलंबन की पैरवी कर रहे हैं, जो कई वर्षों के बाद कपास की ऊंची कीमतों के प्रमुख लाभार्थी हैं। उसने कहा कि बाजारों को कम करने की अनुमति नहीं देकर ऐसे समूहों का उद्देश्य किसानों के लिए पारदर्शी कीमतों को समाप्त करना है। MCX ने कहा है कि बेमौसम बारिश ने गुणवत्ता की चिंता भी बढ़ा दी है, जिससे गुणवत्ता वाली कपास की मांग बढ़ रही है। यह भी बताया गया है कि किसान अपनी उपज के बेहतर मूल्य की उम्मीद में अच्छी गुणवत्ता वाली कपास बाजार में नहीं ला रहे हैं। वहीं कॉटन की तेजी पर MCX का डंडा चला है। कॉटन की महंगाई को रोकने के लिए MCX ने वायदा पर 3% एडिशनल मार्जिन लगा दिया है। ये नई दरें 12 जनवरी 2022 से लागू होंगी। अब ये सवाल है कि कॉटन की कीमतों में तेजी क्यों आई है। गौरतलब है कि देश में कॉटन की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट से भी ज़्यादा हो गई हैं। अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि इससे किसको फायदा होगा और किसको नुकसान। तो सबसे पहले आपको बता दें कि कॉटन पर MCX ने जो 3% का एडिशनल मार्जिन लगाया है, वह खरीद और बिक्री दोनों पर लगेगा। 12 जनवरी 2022 से लागू होने वाली एडिशनल मार्जिन की यह दरें मौजूदा और आने वाले दोनों कॉन्ट्रैक्ट पर लगेंगे। बताते चलें कि कॉटन की बढ़ती कीमतों के कारण कारोबारी कॉटन में ट्रेडिंग करने की मांग कर रहे थे। 2021 में कॉटन की कीमतें कितनी बढ़ी हैं इस पर नज़र डालें तो 3 महीने में कॉटन की कीमतें 17%, 6 महीने में 36% और 1 साल में 66% बढ़ी हैं। कॉटन में आई इस तेजी की वजहों पर नज़र डालें तो मांग और सप्लाई के अंतर के कारण कॉटन की कीमतें चढ़ी हुई हैं। घरेलू बाजार में 29 mm का भाव 35,000 रुपये प्रति गांठ के करीब रहा है, जबकि 362.18 लाख गांठ उत्पादन का अनुमान था। इस साल अनुमान से कम कॉटन उत्पादन होने की आशंका है। बेमौसम बरसात से फसल को नुकसान हुआ है। कॉटन की कीमत बढ़ने से सबसे ज़्यादा किसे नुकसान हुआ है इस पर नज़र डालें तो कीमतें बढ़ने से भारत से कॉटन का एक्सपोर्ट घटा है। बता दें कि बांग्लादेश, चीन, वियतनाम भारत से कॉटन इंपोर्ट करते हैं। कॉटन की कीमतें बढ़ने से ये तीनों देश अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों का रुख कर सकते हैं। रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी। अब अलग अलग काम के लिए अलग अलग ऐप नहीं, हर दुकानदार की बस एक ही ऐप बिग ब्लिस। बिग ब्लिस चुने, केवल 30 सेकंड में अपने स्टोर को दुनिया के सामने लाएं, अपने कारोबार को बढ़ाएं, मुनाफा कमाएं, खुशियां कमाएं। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।